बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि जो बीएलएस है, बीएलएस एक इम्पोर्टेंट एक स्किल है जो कि सबको सीखनी चाहिए। इसके अलावा सीपीएसपी के जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सीपीएसपी एमसीक्यूज भी देती है, फॉर एग्जांपल आईएमएम में, ठीक है, इवन पार्ट टू में भी, ठीक है, एमसीक्यूज भी देती है। इसके अलावा इसका जो बीएलएस का एक कोर्स भी कराती है, तो उस कोर्स में भी आपको, ठीक है, ये जो मेरा लेक्चर है ये दोनों जगहों पे आपके काम आएगा, ठीक है ना। देखें जो जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है ना, हमने बहुत ज़्यादा एडवांसेस किए हुए हैं हार्ट की जो ट्रीटमेंट, डिफरेंट डिजीज की ट्रीटमेंट में, और जो टेक्निक्स की मद में हमने बहुत एडवांसेस किए हैं। लेकिन डिस्पाइट दिस एडवांसेस, कार्डियक अरेस्ट जो है, इट रिमेन्स द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स की स्टडीज के हिसाब से, ठीक है। देखें जो हाफ ऑफ द कार्डियक अरेस्ट जो है ओवरऑल, वो अनविटनेस जाते हैं, ठीक है, उनका पता ही नहीं चलता। आउटकम जो है फिर अभी तक कार्डियक अरेस्ट का आउटकम पुअर है, याद रखें। ओनली अबाउट 10% ऑफ द जो एडल्ट पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो कि नॉन ट्रामेटिक कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स जो हैं वो डिस्चार्ज होने के काबिल हो जाते हैं। 10%, देखिए अंदाज़ा करें, 100 ले लें आप, 100% में से 50% केसेस तो अनविटनेस, उनका पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। जो रिमेनिंग 50% हैं उसमें से 10% जो केसेस हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज होने के काबिल होते हैं हॉस्पिटल से। जो 40% है आउट ऑफ 50, 10% डिस्चार्ज हो सकते हैं, 40% जो है दे आर गॉन इन द एयर, ठीक है, गॉन विद द विंड, ठीक है। तो ये देखें अब इस बीएलएस के कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स देखें, इस बीएलएस के कोर्स के एंड में आप परफॉर्म कर सकेंगे हाई क्वालिटी सीपीआर, ठीक है ना। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट कोर्स है, ये आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है ना। इसी तरह जो चोकिंग की इमरजेंसीज भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये पूरी प्लेलिस्ट होगी आपकी, ठीक है ना। इन प्लेलिस्ट में हम हाई क्वालिटी जो सीपीआर है उसको परफॉर्म करने का तरीका बताएंगे और चोकिंग इमरजेंसीज को डील करने का तरीका बताएंगे। इसी तरह ओपियोइड ओपियोइड इंड्यूस्ड जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट का भी हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एट द एंड ऑफ द जो दिस कोर्स, ठीक है ना, यू विल बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इन सबको एक एक बार पढ़ लें, जिसमें देखें एईडी की जो है क्या कहते हैं, जो उसका जो फंक्शंस होते हैं, कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, ये सारा भी आपको बताया बताया जाएगा। एईडी क्या है? ऑटोमेटेड, एईडी इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को एईडी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हाई क्वालिटी सीपीआर आपको इस में बताएंगे, ठीक है ना। इसी तरह इन्फेंट के केस में, चाइल्ड के केस में सीपीआर कैसे करना है ये बताएंगे, ठीक है ना। इसी तरह वन रेस्क्यूअर हो तो सीपीआर कैसे करेंगे, टू रेस्क्यूअर हो तो सीपीआर कैसे करेंगे, ये सारे की सारी डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना। देखें बीएलएस जो है, देखें बीएलएस प्रोवाइडर मैनुअल कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो सक्सेस टू सक्सेसफुली कंप्लीट ए बीएलएस कोर्स, ठीक है ना। इसलिए आपने स्टिक टू दिस क्या क्या है, दिस लेक्चर रहना है, ठीक है। एज डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं। देखें एडल्ट कौन सा होता है, चिल्ड्रन कौन सा होता है और इन्फेंट कौन सा होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखें कि मैनुअल, ये जो मैनुअल है, इट प्रेजेंट स्पेसिफिक वीएलएस स्किल्स एंड सीक्वेंसेस फॉर ट्रेनिंग रेस्क्यूअर्स टू केयर फॉर एन अनरिस्पॉन्सिव एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से फिर हमने एज डेफिनेशंस की है। एज एडल्ट कौन सा होता है, एडोलिसेंट, ठीक है ना, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी,
और ओल्डर, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन कौन से हो गए 1 साल से लेके प्यूबर्टी तक, और इन्फेंट्स कौन से हो गए लेस देन 1 ईयर, ठीक है। अब प्यूबर्टी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्यूबर्टी देखें, प्यूबर्टी को देखने के लिए चेस्ट या अंडर आर्म के हेयर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है अनकॉन्शियस से, आप देखेंगे कि उसके चेस्ट में हेयर है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अंडर आर्म्स में आर्म पिट्स में हेयर है कि नहीं है, ठीक है। हेयर के हिसाब से आप पहले उसको असेस करेंगे कि आया वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, एडल्ट में, चिल्ड्रन में, इन्फेंट में, ठीक है ना, फॉल करता है, ठीक है। आया वो एडल्ट है कि नहीं ये देखेंगे आप, ठीक है ना। अच्छा, इन्फेंट का मैंने बताया लेस देन 1 ईयर, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग न्यू बोन्स, इस कैटेगरी में आपने न्यू बोन्स को एक्सक्लूड करना है, याद रखें ये वो न्यू बोन्स इसमें शामिल नहीं होते, ठीक है। बाकी मैंने साइंस ऑफ प्यूबर्टी आपको बता दिए क्या क्या है। फीमेल में जो साइंस ऑफ प्यूबर्टी है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट आप देखेंगे, ठीक है। मेल में फिर हेयर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कुछ इस मैनुअल में आपको बॉक्सेस नजर आएंगी, इस तरह का बॉक्स नजर आएगा फाउंडेशनल फैक्ट्स, इस तरह वो नजर आएगा क्रिटिकल कंसेप्ट्स, ठीक है। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट एवरी BLS प्रोवाइडर शुड नो, ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन है एवरी BLS प्रोवाइडर शुड नो, दिस इज क्रिटिकल। अगर इस तरह का साइन आपको मिले तो वो क्रिटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह ये जो है कॉशन है, अलर्ट्स पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और रिस्क्स, इसी तरह इस तरह का बॉक्स नजर आया तो लाइफ इज वाई विथ वाई टेकिंग दिस कोर्स मैटर्स, ठीक है। अच्छा, आगे चले देखें, रिव्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट नोट्स भी मिलेंगे साथ में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, ठीक है। अब देखें, हाई क्वालिटी CPR, The BLS course focuses on preparing students to perform high quality CPR skills. CPR is life saving, याद रखें, CPR is life saving, ठीक है ना। तो it is a life saving procedure for a victim who has single cardiac arrest, signs of cardiac arrest, ठीक है। Signs of cardiac arrest क्या है, UBP, ठीक है ना, या PUB, pub. Number one, breathlessness is a sign of cardiac arrest, ठीक है ना, नो नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी तरह यू से क्या होगा, पी से क्या होगा, पी से पल्स होगा, ठीक है ना, यू से अनरिस्पॉन्सिवनेस होगा, ब्रीदिंग, नो पल्स, अनरिस्पॉन्सिवनेस, ये है साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ CPR की बात करें, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ CPR जो हैं, दे आर चेस्ट कंप्रेशंस एंड ब्रेथ्स, ठीक है, यानी ब्रेथ देने को, सांस देने को और कंप्रेशन करने के जो प्रोसीजर्स हैं, वो दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हैं CPR के। हाई क्वालिटी CPR इंप्रूव्स विक्टिम्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल, स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई क्वालिटी CPR सो दैट यू कैन परफॉर्म ईच स्किल इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए, क्रिटिकल कंसेप्ट आ गया कि हाई क्वालिटी CPR क्या होता है। स्टार्ट कंप्रेशंस विद इन 10 seconds ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, याद रखें, स्टार्ट कंप्रेशंस विद इन 10 seconds ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। जैसे ही आपके पास सामने कोई बंदा फेल होता है, अनकॉन्शियस होता है, कंप्रेशंस आपने करने हैं कार्डियक अरेस्ट के साइंस देखने के बाद। पुश हार्ड, पुश फास्ट, कंप्रेस एट अ रेट ऑफ 100 to 120 minutes per minute, ठीक है ना, 100 to 120 per minute आपने पुश करना है और फिर कंप्रेशंस देने हैं। और डेप्थ कितनी रखनी है, देखें डेप्थ डिफरेंट है, एडल्ट्स में आपने 2 inches यानी कि 5 centimeter रखनी है। अच्छा, चिल्ड्रन में आपने अगेन 2 inches 5 centimeter रखनी है, और ये बनता है 1/3 ऑफ द डेप्थ। कभी कभी ये MCQs में आ जाता है कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वो 1/3 ऑफ द चेस्ट, डेप्थ ऑफ द चेस्ट, ये ऑप्शन देते हैं, ये ऑप्शंस में नहीं देते, इसीलिए आपको ये भी याद आना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, और इसको सेंटीमीटर, इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। बाहर लिए रट्टे मारे, ठीक है, 2 inches = 5 centimeter, ठीक है। अब इन्फेंट्स में डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इसमें भी देखें 1/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द चेस्ट होनी चाहिए, अबाउट 1.5 inches जो कि 4 centimeter बनता है, ठीक है ना। एलो कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, देखें जब भी आप कंप्रेशन करेंगे ना, देखें ये कंप्रेशन है आपका, ये कंप्रेशन है, आप दबा रहे हैं दोनों हाथों से, ठीक है, दबा रहे हैं, या जैसे भी कंप्रेशन होती है इन्फेंट में तो हम थंब से करते हैं, ठीक है, तो देखें दबा रहे हैं, तो ये जो कंप्रेस हो गया ना, अब इसका रिकॉइल भी होना चाहिए, जरूरी है,
ठीक है, ये जो रिकॉयल, ये दोबारा ऊपर आएगी, इसको रिकॉयल कहते हैं, चेस्ट, चेस्ट दोबारा ऊपर आने को रिकॉयल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको ड्यूरिंग कंप्रेशन याद रखें कि रिकॉयल भी होने देना है, सिर्फ उसको दबा दबा के नहीं रखना, रिकॉयल करेंगे तो ब्लड आएगा हार्ट में, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, मिनिमाइज इंटरप्शंस, जैसे ही आप कंप्रेशन देंगे उसमें इंटरप्शंस आपने कम से कम करने की कोशिश करेंगी करेंगे, ये होता है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। गिव इफेक्टिव ब्रेथ्स दैट मेक्स द चेस्ट राइज, आप फिर पेशेंट को एक ऐसी इफेक्टिव ब्रेथ भी देंगे, मुंह जो पॉकेट मास्क से या एम्बो बैग से या जो भी है, ठीक है ना, कि जो चेस्ट है वो राइज करे फिर फॉल करे, राइज करे, चेस्ट मूवमेंट्स आनी चाहिए आपकी ब्रेस्ट के साथ और आपकी ब्रेथ के साथ, ठीक है। अच्छा, तो ये इतना आप यहाँ पे रखें, बाकी देखें कि जो वही वाली बात है, चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन आर मोर ऑफन टू शेलो ये देन टू डीप, हाउएवर रिसर्च सजेस्ट दैट कंप्रेशन डेप्थ ग्रेटर देन 2.4 इंचिस, यानी कि 6 सेंटीमीटर, याद रखें 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर कंप्रेशन हो तो उसमें रिब फ्रैक्चर का खतरा होता है, 6 सेंटीमीटर से, ये रट्टा मारे, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर आपका जो है कंप्रेशन हो तो वो क्या हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है ना। इफ यू हैव अ CPR क्वालिटी फीडबैक डिवाइस, इट्स ऑप्टिमल टू टारगेट योर कंप्रेशन डेप्थ बिटवीन 2 to 2.4 inches, जो कि 5 to 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपने कंप्रेशन नहीं करनी, क्योंकि क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है यहाँ पे, बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है इस वीडियो में बताता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है। देखें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, इट प्रोटेक्ट्स द रेस्क्यूअर, याद रखें इसमें क्या क्या आता है, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन, फुल बॉडी कवरेज, हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग आती है, सेफ्टी फुटवेयर आता है, सेफ्टी हेलमेट्स आते हैं, ठीक है ना। ऑलवेज कंसल्ट विथ योर लोकल हेल्थ अथॉरिटी और रेगुलेटरी बॉडी ऑन स्पेसिफिक PPE, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह बस वही है कि अर्ली रिकॉग्निशन एंड अर्ली CPR आर क्रूशियल फॉर कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवल, ठीक है ना। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, इट इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड सेव्स मोर लाइव्स, इतना आपने याद रखना है। बाकी चेन ऑफ सर्वाइवल में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, ये आपको इसमें मुझे नहीं लगता है इसमें कोई MCQ आएगा, बट स्टिल मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, ये पढ़ें, फिर जनरल कंसेप्ट्स में देखें, ये पढ़ें, चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर एन इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, इसको IHCA बोलते हैं, ठीक है ना। इन हॉस्पिटल, जहाँ पे, जहाँ ये देखें, इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, आउट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में ये, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, प्राइमरी पॉडर्स, कोर टीम, कैथ लैब, ICU, ये सारे के सारे, ठीक है। इसी तरह आउट ऑफ द हॉस्पिटल ले रेस्क्यूअर्स, इमरजेंसी मेडिकल जो है टीम, इसी तरह ED, ठीक है, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कैथ लैब और ICU, ठीक है। ये बहरहाल आपको ज़्यादा इस पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारी आगे जो काम की चीज़ें हैं वो सारी आगे आ रही हैं, ठीक है। फिर चेन ऑफ सर्वाइवल और आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर आउट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, ये जो है ना, ये देखें, इन दोनों को ही इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर आउट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, इनको इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, या पढ़ सकते हैं की डिफरेंसेस। फिर इन्होंने बताए हैं कि इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में और आउट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। इसमें फिर उन्होंने बताया है इनिशियल सपोर्ट में क्या डिफरेंस है इन हॉस्पिटल और आउट हॉस्पिटल में, रिसस्टेशन टीम्स में क्या डिफरेंस है इन हॉस्पिटल और आउट हॉस्पिटल में, इसी तरह अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर रिसस्टेशन कंस्ट्रेंट्स में, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है, आप ये सारा
अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप रोक के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ ईच लिंक इन द चेन ऑफ सर्वाइवल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट टीच यू, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज नॉट दैट मच रिलेटेड टू द एमसीक्यूज एंड पेपर वाइज, ठीक है, एग्जाम वाइज, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईच लिंक इन चेन ऑफ सर्वाइवल, अगेन यू कैन रीड इट, इट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये भी आप पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड यू कैन रीड इट योर सेल्फ। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक देखें, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, पीपल ऑफन यूज द टर्म्स कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक इंटरचेंजेबली, बट दे आर नॉट द सेम, याद रखें, ये कह रहे हैं कि दे आर नॉट द सेम। सडन कार्डियक अरेस्ट अकर्स वेन द हार्ट डिवेलप्स एन एबनॉर्मल रिदम एंड कांट पंप द ब्लड, ठीक है। अ हार्ट अटैक अकर्स वेन द ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज ब्लॉक्ड, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसिस बाई केयरफुली स्टडींग टेबल नंबर टू। टेबल नंबर टू आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। अब देखें कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है, व्हेन द हार्ट डेवलप्स एन एबनॉर्मल रिदम एंड कांट पंप द ब्लड, इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हार्ट अटैक जो है एमआई वगैरह, ठीक है, व्हेन ब्लड फ्लो टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल इज ब्लॉक्ड, इसको हार्ट अटैक कहते हैं, बट पीपल यूज इट इंटरचेंजेबल। ये देखें, ये टेबल टू है, सडन कार्डियक अरेस्ट क्या है, व्हाट इट इज इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। हार्ट अटैक क्या है, व्हाट इट इज इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। What happens, फिर उसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद what is the link, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ। देखें, सडन कार्डियक अरेस्ट जो है अकर्स वेन द हार्ट डिवेलप्स इन एबनॉर्मल रिदम एंड कांट पंप द ब्लड। हार्ट अटैक अकर्स वेन द ब्लड फ्लो टू पार्ट ऑफ द हार्ट इज हार्ट मसल इज ब्लॉक्ड, ठीक है। इसी तरह सडन कार्डियक अरेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एबनॉर्मल रिदम, दिस एबनॉर्मल रिदम कॉजेज द हार्ट टू क्विवर सो इट कैन नो लॉन्गर पंप द ब्लड टू द ब्रेन लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। सडन कार्डियक अरेस्ट इज ऑफन अ रिदम प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, हार्ट अटैक देखें, अ हार्ट अटैक अकर्स वेन अ क्लॉट फॉर्म्स इन द ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। If the blocked vessel is not reopened quickly, the muscle normally nourished by the vessel begins to die. इसको कहते हैं heart attack. A heart attack is a clot problem. A cardiac arrest is a rhythm problem. ठीक है, इसमें clot का issue है heart attack में, इसमें rhythm का issue है, ठीक है ना। अच्छा, अब what happens, देखें, within seconds the person becomes unresponsive and is not breathing or is only gasping. Death occurs within minutes if the victim does not receive immediate life-saving treatment. ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहा है, अरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह signs of heart attack may appear immediately or last weeks or longer and may include, देखें यहाँ पे within seconds की बात है, heart attack में may last for weeks, appear immediately or last for weeks, ठीक है ना। Severe discomfort in the chest or other areas of the upper body, shortness of breath, cold sweats, nausea and vomiting. Typically, याद रखें, during a heart attack, the heart continues to pump. The longer the person with the heart attack goes without treatment, greater the possible damage to the heart. Common sense है, ठीक है ना। Occasionally, the damaged heart muscle triggers an abnormal rhythm that can lead to sudden cardiac arrest. ठीक है ना। अब देखें, हार्ट का एक पार्ट है, आर्टरी जा रही है, वहां क्लॉट बना हुआ है, एमआई हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है उसको, ठीक है। ओकेजनली क्या होता है, ये जो एरिया होता है एक्टोपिक फोकस, ये क्या करता है, ये एबनॉर्मल रिदम, एबनॉर्मल एक रिदम स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देखिए, हार्ट अटैक से कहां ये स्टार्ट होके कार्डियक अरेस्ट पे एंड हुआ है, ठीक है। हार्ट अटैक सिम्टम्स इन वुमेन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मेन एंड वुमेन में बी मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पेन इन द जॉ, आर्म्स, बैक और नेक, ठीक है ना।
इसी तरह लाइट हेडेडनेस हो सकता है, उनको नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। याद रखें मैन एंड वुमेन में डिफरेंस हो सकता है हार्ट अटैक के सिम्टम्स में, ठीक है ना। मोस्ट हार्ट अटैक्स डू नॉट लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। अगेन मोस्ट हार्ट अटैक्स डू नॉट लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट। दो स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विद हार्ट अटैक विल डेवलप सडन कार्डियक अरेस्ट, बट व्हेन सडन कार्डियक अरेस्ट अकर्स, हार्ट अटैक इज अ कॉमन कॉज। अदर कंडीशंस में ऑल्सो चेंज द हार्ट्स रिदम एंड लीड टू अ कार्डियक अरेस्ट। अदर कंडीशंस देखें, अरेस्ट के लिए कॉजेस की बात की जाए ना, कॉजेस कॉजेस को मैं CZ लिखता हूँ। हार्ट अटैक भी है और अदर कॉजेस भी हैं, लेकिन नॉट ऑल हार्ट अटैक्स, याद रखें नॉट ऑल हार्ट अटैक्स कॉज अरेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। याद रखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि सडन कार्डियक अरेस्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। नियरली 360,000 आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट अकर एनुअली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फास्ट एक्शन कैन सेव लाइव्स, अगेन वही वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो जो देखिए, हम Part 2 यानी BLS फॉर एडल्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ MCQs करते हैं। इन विच लोकेशंस वो कहते हैं कि डू मोस्ट आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट अकर, इन विच लोकेशंस। आया ये हेल्थ केयर क्लिनिक्स में होता है, आया ये होम्स में होता है, आया ये रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में होता है, शॉपिंग सेंटर्स में होता है। नहीं, इसका आंसर है होम्स, ठीक है। विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर है हमारे पास रेस्पायरेटरी फेलियर और शॉक। ये देखें, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन चिल्ड्रन, ठीक है। दिस इज रेस्पायरेटरी फेलियर और शॉक, ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थर्ड लिंक इन द एडल्ट आउट हॉस्पिटल चेन ऑफ सर्वाइवर, ठीक है ना। तो ये रैपिड डिफिब्रिलेशन है, ठीक है ना। थर्ड लिंक क्या है आउट हॉस्पिटल चेन ऑफ सर्वाइवल का, रैपिड डिफिब्रिलेशन, ठीक है ना। ये देखें चेन ऑफ सर्वाइवल फॉर आउट हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, इसमें देखें थर्ड लिंक क्या है, रैपिड डिफिब्रिलेशन विथ AED, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, देखें विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स सडन कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें व्हेन एन एबनॉर्मल रिदम डेवलप्स एंड हार्ट स्टॉप्स बीटिंग अनएक्सपेक्टेडली, ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है सडन कार्डियक अरेस्ट की। व्हेन एन एबनॉर्मल रिदम, देखें एबनॉर्मल को मैं ऐसे लिखता हूँ, एबनॉर्मल रिदम, ठीक है ना, डेवलप्स एंड हार्ट स्टॉप्स एंड स्टॉप्स द हार्ट अनएक्सपेक्टेडली फ्रॉम क्या, फ्रॉम बीटिंग, ठीक है ना। तो ये है डेफिनेशन ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। तो ये जो क्या कहते हैं पहली मेरी वीडियो थी इस प्लेलिस्ट में, पूरी प्लेलिस्ट आपने देखनी है सारी की सारी, ठीक है ना। इस प्लेलिस्ट में हम आपको बहुत सारी और भी चीज़ें बताने वाले हैं। BLS एडल्ट में कैसे करते हैं, BLS फॉर चिल्ड्रन कैसे करते हैं, इन्फेंट्स में कैसे करते हैं, ठीक है। इसी तरह AED जो ऑपरेटर्स है उसकी उसका फंक्शनिंग कैसे करते हैं, इसी तरह चोकिंग में आपके क्या मेयर्स अपनाएंगे, इसी तरह ओपियोइड टॉक्सिसिटी वगैरह वगैरह में, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट थी।